आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। भिवंडी में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और इसी मौके पर जो है हिंदुस्तान की हमेशा से चलने वाली जो परंपरा है वो भी चल रही है। साथ ही साथ हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही थी। इस खुशी के मौके पर भिवंडी की आपको तस्वीरें बताते हैं कि भिवंडी में किस तरीके से धूमधाम से इस जयंती को मनाई गई है। साथ ही साथ आप इस जयंती को देखते हुए और इस तस्वीरों को देखते हुए आपको इस बात का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल सही होगा कि भिवंडी में राष्ट्रीय एकात्मता अब तक जिंदा है और ज़िंदा रहेगी और इसकी मिसाल भिवंडी वाले हमेशा पेश करते रहते हैं। आइए हम आपको उन्हीं की चंद तस्वीरें बता रहे हैं कि भिवंडी में रमज़ान महीने का मुबारक महीना तो चल ही रहा था, लोगों के रोज़े चल ही रहे थे। साथ ही साथ मुस्लिम कम्युनिटी ने भी इस जयंती में शामिल होकर जयंती को मनवाया, बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जयंती को मनाया। और हम आपको लेकर चल रहे हैं उन जुलूस में भी जहाँ पर धामनकर नाके से जो है जुलूस निकाला गया था और कोने कोने में एक मंच सजाया गया था जहाँ पर जुलूस में शामिल होने वालों का इस्तकबाल किया जा रहा था। आइए हम उसी एक मंच की ओर आपको ले चलते हैं जो संघराज सामाजिक संस्था की जानिब से लगाया गया था। आइए उस मंच की ओर चलते हैं और वहाँ पर किस तरीके से लोगों का इस्तकबाल किया गया है और किस तरीके से लोगों का स्वागत किया गया है और वहीं से जो है जो जुलूस आगे बढ़ रहा था किस शान और शौकत के साथ चल रहा था और कितनी शांतिपूर्वक चल रहा था।